नया वीडियो है, सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला। दोस्तों ये सेमी इंपिरिकल मास फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स में भी होता है, बीएससी के फिजिक्स में भी होता है, ये टॉपिक एमएससी के फिजिक्स में है, ये टॉपिक फिजिक्स के जो नेट का सिलेबस होता है उसमें भी है, ये पीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस ये है दोस्तों कि इसके स्टैंडर्ड में थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ हम बीएससी और इंजीनियरिंग फिजिक्स के लेवल का हम आपको एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। दोस्तों हमारे वीडियोज कंटिन्यू आ रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। तो प्लीज दोस्तों ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि जैसे हमने कोई वीडियो बनाए, और वीडियो हमारे डिफरेंट टाइप के आ रहे हैं, फिजिक्स के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, केमिस्ट्री के भी हैं, बस ये है कि एक एक दो दो वीडियो करके आ रहा है तो थोड़ा सा टॉपिक में लेट हो जाता है, लेकिन आ डेली रहे हैं, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक फंस जाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला को 1935 में एक साइंटिस्ट हैं वॉन वी सोस्कर ने एक्सप्रेस किया था। उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस का मास है, एक्चुअल में जो न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास के बराबर नहीं होता। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, लेकिन 1935 में वॉन वी सोस्कर ने ये एक्सप्लेन किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूफ कर दिया कि सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस, बट मास ऑफ न्यूक्लियस इज स्लाइटली लेस। मतलब जो न्यूक्लियस का मास है वो प्रोटॉन के मास प्लस न्यूट्रॉन के मास दोनों के टोटल के मास से कम होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को शॉर्टकट में न्यूक्लियंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो मास में डिफरेंस है, एक्चुअल में न्यूक्लियस के मास में और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास में जो डिफरेंस है, इसको उन्होंने इस डिफरेंस को उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियस में पार्टिकल जो बाउंड होता है उसके रूप में उन्होंने एक्सप्लेन किया इस मास के डिफरेंस को, कि जो मास का डिफरेंस है उस डिफरेंस से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसके लिए बहुत बड़ा रोल पे करता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोटॉन की संख्या है जेड और न्यूट्रॉन की संख्या है ए माइनस जेड। ए क्या है? उसका टोटल मास, या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन को जेड ले लिया तो न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड, क्योंकि ए जो है टोटल होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। और हम न्यूक्लियस के मास को हम दोस्तों एक्सप्लेन कर रहे हैं जेड एम ए। एम हो गया न्यूक्लियस का मास, ए हो गया आपका एटॉमिक मास, और जेड हो गया एटॉमिक नंबर। आप जानते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां हम नंबर ऑफ प्रोटॉन मान के चलेंगे। तो उन्होंने बताया वॉन वी सोस्कर ने कि जेड एमपी, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इनटू जेड मतलब जितने प्रोटॉन की संख्या उसमें एक प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर। ये दोस्तों जो बी अपॉन सी स्क्वायर है ये बाइंडिंग एनर्जी होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी के कारण मास में ये डिफरेंस होता है। तो इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला बोला गया इसको, और जो बी है वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी का मास ऑफ न्यूक्लियस में बहुत बड़ा रोल है। अब बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट टाइप की होती है दोस्तों, तो इसमें से फर्स्ट है आपका वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी एक शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक शॉर्ट रेंज का एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इसके कारण न्यूक्लियस के मास में कमी आती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो एक फोर्स लगता है, शॉर्ट रेंज का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है दोस्तों, इसके कारण न्यूक्लियस के मास में कमी आती है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियंस है ये हम आप जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसमें लिखा हुआ है दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट बाय एन अमाउंट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस ए। मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियंस की संख्या बढ़ती जाएगी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। अब चूंकि वॉल्यूम जो है ए के प्रोपोर्शनल होगा,
ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे भी उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये जो टर्म है ये वॉल्यूम एनर्जी टर्म, वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में एक्सप्लेन होगा, और इसे हम एक्सचेंज एनर्जी भी कह सकते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम एनर्जी है ये ईवी इक्वल टू ए वन ए, ए वन क्या है प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। दोस्तों ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ये एक नोट्स के रूप में है इंजीनियरिंग के और बीएससी के स्टूडेंट के लिए। दूसरा वैसे इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएंगे तो डिटेल में बनाएंगे, इसको हम बेसिक रीजन बताएंगे। तो दोस्तों दूसरा है सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। तो हम जानते हैं कि एटम का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है सम न्यूक्लियंस ऑन इट सरफेस। एटम का जो न्यूक्लियस है उसके कुछ न्यूक्लियंस सरफेस में भी होते हैं, और सरफेस में होने के कारण अ मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज एट्रिब्यूटेड लेस स्ट्रांगली इन वन डायरेक्शन। अब क्योंकि जब सरफेस में होंगे तो सरफेस में होने के कारण ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है ये लेस स्ट्रांगली इन वन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे इनका अट्रैक्शन कम होगा, जैसे कि लिक्विड का होता है। इसीलिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल भी, लिक्विड ड्रॉप मॉडल के कारण ही ये सेमी एम्पिरिकल मास एक्सप्लेन किया जा सका है। तो ये जो रीजन होता है सरफेस में होने के कारण, इसके कारण ये बाइंडिंग एनर्जी को क्या करता है रिड्यूस कर देता है, और ये जो रिड्यूस होता है वो डिपेंड करता है आपका सरफेस, सरफेस पर, न्यूक्लियस के सरफेस पर। अब चूंकि न्यूक्लियस की जो सरफेस एरिया है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, न्यूक्लियस को हम स्फेरिकल मानते हैं, है ना, उसके लिए होता है 4πr², तो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां जो सरफेस एनर्जी है दोस्तों ईएस इक्वल टू -A2A ये है आपका। यहां माइनस क्यों है, क्योंकि सरफेस एनर्जी के कारण बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों कूलाम एनर्जी। कूलाम एनर्जी आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, इस रिपल्सन फोर्स के कारण जो है बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, और इसके लिए डेरिवेशन है दोस्तों, ये आपका डेरिवेशन दिया हुआ है। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा न हो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जेड जेड माइनस वन ए वन बाई थ्री कूलाम एनर्जी को एक्सप्लेन करता है दोस्तों। तो यहां हम देखते हैं कि जो कूलाम एनर्जी है वो ए वन बाई थ्री के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस एनर्जी इक्वेशन इज निगेटिव, ये भी एनर्जी निगेटिव होती है क्योंकि ये भी जो है तो बाइंडिंग एनर्जी को कम कर देता है, और ये इट अपोजेस न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को भी कम करता है, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सन फोर्स लगेगा इससे न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। फिर दूसरा है नेक्स्ट है दोस्तों एसिमेट्री एनर्जी। एसिमेट्री एनर्जी चूंकि न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, कब, जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मैजिक नंबर के बराबर हो, लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं है तब ये इसमें एसिमेट्री एनर्जी होगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अगर इक्वल नहीं है तो इसके कारण एसिमेट्री एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके दोस्तों, इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से तो बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी, इसे हम एसिमेट्रिक एनर्जी या एसिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं दोस्तों। ओके तो दोस्तों इसके कारण बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है। ओके दोस्तों, तो एसिमेट्रिक एनर्जी को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां भी माइनस क्यों है, क्योंकि हमने बताया ना कि एसिमेट्रिक एनर्जी के कारण भी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। फिर इसके बाद है दोस्तों पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी में आप देखते हैं कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के पेयर पर भी डिपेंड करता है। अब सपोज कर ये ए ऑड है और जेड जेड इवन है, एन ऑड है, एन क्या है न्यूट्रॉन, जेड क्या है प्रोटॉन, ए क्या है टोटल, तो अगर ये है तो इस कंडीशन पे पेयरिंग एनर्जी जीरो होगी, अगर ये कंडीशन है तो इसकी पेयरिंग एनर्जी इतनी होगी, अगर ये कंडीशन है तो इसकी पेयरिंग एनर्जी इतनी होगी। तो इस तरह से पेयरिंग एनर्जी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ए इवन है तो पेयरिंग एनर्जी के कारण बाइंडिंग एनर्जी कम होगी, अगर ए इवन है लेकिन इस कंडीशन है मतलब ए जेड एन, जब तीनों इवन हो गए तो बाइंडिंग एनर्जी को ये बढ़ाएगा, और जब ए तो इवन है लेकिन जेड और एन इवन नहीं है ये ऑड है तो इसके बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए माइनस में दिया हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग एनर्जी हो गई। अब इस तरह से हम इन सभी को बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देख चुके हैं दोस्तों ये दिया हुआ है बाइंडिंग एनर्जी दिया था आपका बी अपॉन सी स्क्वायर, तो इन सभी एनर्जी को
प्लस कर दिया गया है। तो ये वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी, कूलाम एनर्जी है, ये आपका एसिमेट्री एनर्जी है और ये आपका पेयरिंग एनर्जी है। तो इस फार्मूले को, दिस फार्मूला कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई अगेंस्ट अल्फा एंड बीटा डीके, मतलब ये फार्मूले से हम न्यूक्लियाई के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। आप इसको देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो हमें आप बताएं, कमेंट करें, कमेंट जरूर करें दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।